नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? मैं स्टॉक बाजार हिंदी में हरि परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वो आशा करता हूं कि आप इस बुल मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे। और अब थोड़ी सी मार्केट जो है थोड़ा सा इसमें करेक्शन आई है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो आई होप कि ये मार्केट दोबारा से ऊपर को चलने की शुरू होगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो जरूरी है। अप एंड डाउन मार्केट का एक हिस्सा है दोस्तों। आज 16 जनवरी 2022 है, संडे का दिन है, तो आज जो हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे वो उसका नाम है कौशल लिमिटेड। दोस्तों ये सेक्टर इंडस्ट्री है, माइनिंग मिनरल की इंडस्ट्री है दोस्तों, तो आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। अच्छा स्टॉक है, करेक्शन चल रही थोड़ी सी इसमें भी, अभी थोड़ा अप ट्रेंड में है, तो हम आज इसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने investing.com के ऊपर ये स्टॉक की मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको, तो कौशल लिमिटेड दोस्तों वन मंथ का चार्ट है, एक कैंडल एक मंथ को दर्शा रही है। देख सकते हैं आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए 100 रुपये के नीचे से ये स्टॉक चला है था 2017 में, और 500 रुपये तक गया, देन फिर ये 100 रुपये के नीचे आया, करेक्शन एक बड़ी करेक्शन दी, और अब ये फिर एक मंथली चार्ट में अब फिर ये एक अप ट्रेंड में, अभी थोड़ा सा अप ट्रेंड में था 2021 में, पिछले 4-5 महीनों से ये डाउन में है थोड़ा सा। इसमें अभी एक कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये, और RSI भी देखिए आप ऊपर की तरफ है, और मनी फ्लो देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ है, क्योंकि इंडिकेटर बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, इसलिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI और मनी फ्लो ऊपर की तरफ है, MACD थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर, थोड़ा सा टाइम लेट बताता है दोस्तों, तो ये भी आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम ये अपना एक सही मूवमेंट बता देगा, इनका इनका पीछा करते हुए, RSI और मनी फ्लो का पीछा करते हुए आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वैसे भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड नहीं है, तो आप स्टॉक को ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, MACD, RSI, मनी फ्लो, तो यहाँ पे भी देखिए MACD, RSI और मनी फ्लो ऊपर की तरफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक इन्होंने एक से नीचे एक इसने एक डाउन हॉल बनाया था वीकली में, और अब ऊपर की तरफ है दोस्तों, MACD भी ऊपर की तरफ है, स्पोर्ट इसने ली थी स्पोर्ट से, अब ऊपर की तरफ है दोस्तों आप देख सकते हो। तो यहाँ पे RSI भी ऊपर की तरफ है, MACD भी ऊपर की तरफ है, और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ है, तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड अब दोनों में वीकली मंथली में मंथली वीकली में भी ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं एक दिन का चार्ट है, एक दिन के दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्केर डाला हुआ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक जोन में चल रहा है दोस्तों, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और उस रेंज में ही घूम रहा है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं कि 220 तो बनाई थी 237 और 320 के आसपास, तो जब भी इसमें बाई करना बहुत आसान रहता है, जब भी आप इसमें ये एक बॉटम बनाए और ऊपर की तरफ आपको कैंडल दिखे ऊपर जाने के, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं दोस्तों, और जब ये ऊपर के टॉप को बनाए तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या नाम है उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों डेली फ्रेम चार्ट में। आप देखिए ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ है दोस्तों, और इसमें एक आप देखते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ आया, देखिए फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर इसने उसके बाद जो इसने बैक जो वापस नीचे की तरफ जैसे डाउनफॉल आया वो 100% से ज़्यादा का था दोस्तों, आप देख सकते हो 100% से ज़्यादा का आया, फिर इसने ऊपर की तरफ एक मूव दिया, उसके बाद फिर जो डाउनफॉल आया वो भी 100% से ज़्यादा था दोस्तों। अब ये एक इसने एक टॉप बनाया था दोस्तों, डेली चार्ट में एक टॉप बनाया था 320 के आसपास आई थिंक है, यहाँ पे एक फिर एकदम से नीचे आया, और अब ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैंडल्स ऑफ ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि एक जोन में चल रहा है दोस्तों, जब ये जोन ब्रेक करेगा तो कहीं से कहीं अच्छा
खासा ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही पावरफुल। तो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम ये दोस्तों, ये आपको जो कैंडल मैंने आपको ये दिखाई थी, सॉरी मैं दिखाना चाहता हूँ बैक। देखिए देखिए जो जो ये रेड कलर और ग्रीन कलर की आपको लाइने दिखनी है, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मतलब नियर अबाउट स्पोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए ये रेड कलर की जो लाइन है आप 256 के आसपास, ये ऊपर होता है तो ये ऊपर ही होता है दोस्तों, 256 के नीचे होता है ये नीचे ही होता है दोस्तों। मीन्स जब ये 256 को टच करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये ऊपर की तरफ एक, ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव देता है। जब उस लाइन से नीचे की तरफ अगर जाता है तो एक नीचे की तरफ बड़ा मूव आ जाता है दोस्तों। वैसे ऊपर और नीचे आपको इंडिकेटर्स पहले ही बता देंगे आपको, जब दो रेड कैंडल बननी शुरू होगी तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ सेल या ले सकते हैं, अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे सेल के ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में दोस्तों, समझिए ना आप। तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको क्या दिखा रहे हैं, MACD RSI मनी फ्लो। आप देखिए यहाँ पे MACD ऊपर की तरफ, डे चार्ट RSI ऊपर की तरफ, और मनी फ्लो थोड़ा नीचे की तरफ है दोस्तों। दो जो इंडिकेटर है हमारे फेवर में है, तो मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे दिखे। यहाँ पे पैसा ऐसे ही होता है कि वह यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है या धीरे धीरे डाला भी जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये मनी फ्लो ऊपर था, ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे धीरे धीरे पैसा डाला गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे यार धीरे धीरे पैसा डाला जा रहा है, क्योंकि ये एकदम से ऊपर की तरफ, जैसे आप देख सकते दो कैंडल या तीन कैंडल बड़ी, एकदम से यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। दो इंडिकेटर ऊपर है, तो यहाँ पे जहाँ तक मेरा जो डाटा जो कह रहा है कि ये यहाँ पे ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव दे सकता है दोस्तों, पर स्टॉप लॉस के साथ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हैं अपना खुद का एनालिसिस करके दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं वनडे का चार्ट है दोस्तों। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25, 50, 100, 200, 150 मैंने इसलिए ली क्योंकि अगर 100 से ऊपर, 200 से ऊपर है तो 150 से भी ऊपर ही होगा ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी एक दिन के चार्ट में EMA दोस्तों उन सबसे ऊपर चल रहा है दोस्तों, 25, 50, 100, 200, तो हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। ADX में देखिए जो ट्रेंड कन्फर्मेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की जाता है तो ये फिर वापस ट्रेंड कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है दोस्तों, अब चेंज हो चुका है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा अपने एक रिसेंट लेवल के पास है दोस्तों, देख सकते हैं 275 के आसपास आगे ये थोड़ा सा रुक सकता है या थोड़ा सा सांस ले सकता है। यहाँ पे कुछ पोजीशन स्केयर ऑफ होंगी, कुछ नई पोजीशन बनेंगी, तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम कीजिएगा। वीकली चार्ट में EMA 25, 50, 100, 200 में आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में देखिए EMA ऊपर है, सब EMA से ही स्टॉक ऊपर चल रहा है दोस्तों, और 25 से थोड़ा 25 से भी ऊपर चल रहा है, थोड़ा 25 के आसपास ये थोड़ा सा सपोर्ट लिया है इसने कई बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और MACD जैसे मैंने बताया, MACD वीकली चार्ट में नीचे की तरफ है, मनी RSI और मनी फ्लो ऊपर की तरफ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वीकली चार्ट में वीकली चार्ट में थोड़ा सा MACD भी ऊपर की तरफ है 10.319। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है दोस्तों, वीकली चार्ट यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, कुछ हो सकता है यहाँ पे कुछ MACD की कुछ हो, क्योंकि वीकली चार्ट में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। चलो आप खुद इसको वहाँ पर जाके चेक कर लिया दोस्तों कि हाँ भाई वीकली चार्ट में भी देखिए, तो ये MACD ऊपर की तरफ है, सब ऊपर की ही तरफ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकली चार्ट में MACD में यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों अभी बताता हूँ, हाँ समझ गया दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पे MACD देखिए, मैं थोड़ा सा MACD वहाँ पे चेंज करना बोल गया, यहाँ पे मैं 8 और 14 का MACD का जो मैंने डाटा लिया है, 8 और 14 का लिया दोस्तों, मैं 8 और 14 का यूज़ करता हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा 12 और 26 का, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ है, सॉरी यहाँ पे आप अपने तरीके से इसको ले सकते हैं दोस्तों। देखिए ऊपर की तरफ है, ये सब ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम बाइंग ट्रेड विद स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं दोस्तों। तो आप केलोस का यहाँ पे हम देखते हैं, 1 वीक के चार्ट में हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं से इसका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों।
तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे फिबोनाची में जब भी ये डाउन नीचे की तरफ आया दोस्तों स्टॉक, तो मोस्ट ऑफ द इसने 38.2% के आसपास रिट्रेसमेंट लिया है। देखिए यहाँ पे भी लिया, फिर टेस्ट किया इसने, फिर तीसरी बार जब ये टेस्ट करने आया था दोस्तों इसने ब्रेक कर दिया 0.550% के आसपास इसकी इसकी रिट्रेसमेंट थी दोस्तों। तो नए नए स्टॉक मार्केट में नए नए फंडे, वन वीकली चार्ट है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नए नए चीजें होती रहती हैं। रिट्रेसमेंट लेवल को इसने ब्रेक कर दिया था, अब नीचे की तरफ आया तो वहां से ये ऊपर की तरफ चलने लगा दोस्तों। देखिए जब ऊपर की तरफ चलता है, आप देखते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट में, तो ऊपर की तरफ चलता है तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना बढ़िया वीकली चार्ट में। तो यहाँ पे डेली चार्ट में भी हम रिट्रेसमेंट लेवल चेक करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट था ये इतना ज्यादा नहीं था, ये आई थिंक यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों ये मैंने इसमें रिट्रेसमेंट किया नहीं, 50% के आसपास या 32-80% के आसपास होगा यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ दोस्तों 100% से भी नीचे की तरफ गया। नेक्स्ट रिट्रेसमेंट था दोस्तों ये, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे भी नीचे 100% है, 100% नीचे की तरफ स्टॉक गया, जहाँ से इसने अप मूव देने की कोशिश की, यहाँ से अप मूव गया ऊपर की तरफ गया 320 के आसपास गया, और यहाँ पे फिर इसने जो रिट्रेसमेंट दिया दोस्तों फिर भी वो भी उस जहाँ से अप मूव शुरू हुआ वहाँ से भी ये नीचे की तरफ गया दोस्तों। अब ये फिर एक मूव ऊपर की तरफ इसने मूव दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 320 तक को टच कर सकता है दोस्तों, बाकी मार्केट का कोई पता नहीं है, शायद यहाँ से नीचे भी घूम जाए, पर जो डाटा एनालिसिस कह रहा है, जो डाटा हमें बता रहा है कि इसका जो मूव है वो 300-320 के पास ये जा सकता है दोस्तों। ये रिट्रेसमेंट जो यहाँ पे हुई है दोस्तों, यहाँ पे 78.6% के आसपास हुई है दोस्तों, और यहाँ पे भी ये अब ऊपर की तरफ मूव दे सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, इसने फिर 60 ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ये 38% के आसपास आके फिर ये 60% के आसपास इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, फॉर्मेट जो ये नए नए बनाते हैं तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए अब ये अप मूव है, इंडिकेटर हमें अप मूव दे रहे हैं, डाटा हमें अप मूव दे रहा है, तो आप इसमें बाइंग ट्रेड ले सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। स्टॉप लॉस में यह कि जाने को बहुत कम होता है और आने को, यहाँ पे देखिए अगर आप 263 के आसपास ये स्टॉक लेते हैं तो यह 320-60 रुपये का, और यहाँ पे अगर 5-7 रुपये का आप स्टॉप से लगाते हैं तो इट्स नॉट 2-2.5% का लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे अब और एक फॉर्मेट बनता नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या है। अगर डेली चार्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है दोस्तों, 3 दिनों बाद हेड एंड शोल्डर मटर पैटर्न बन रहा है। ये शोल्डर, ये हेड, रेड कलर की लाइन देखिए, ये जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये शोल्डर, ये हेड, सॉरी ये हेड, ये शोल्डर, ये इसकी नेक लाइन दोस्तों। नेक लाइन से नीचे नहीं गया, इसको टच किया, अगर नीचे जाता तो बहुत बड़ा यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिल सकता है, नेक लाइन से नीचे नहीं गया। अब ये देखिए यहाँ पे इस बीच वाले में, यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, वहां पे देखिए हेड एंड शोल्डर, ये हेड, ये हेड, ये हेड, ये हेड, और ये नेक लाइन दोस्तों, इसकी नेक लाइन, तो इसने नेक लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से देखिए कितना बड़ा फॉल आया है ना, बढ़िया बात दिख रहा है आपको हेड एंड शोल्डर। तो आपको पैटर्न पहचानने होंगे, पैटर्न कौन से चल रहे हैं, क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं। आपको एक ही ट्रेड में, चाहे बाइंग की हो या सेलिंग की हो, आपको 5-6 तरह के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, आप उनको पहचानना आपका काम है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा भी है, इसको भी हम ले सकते हैं, एक छोटा सा हेड बनाया दोस्तों, ये देखिए हेड, ये देखिए ये हेड, ये पिंक कलर की जो है हेड, ये शोल्डर, एक ये शोल्डर, और ये एक ये शोल्डर, हेड शोल्डर, और ये नेक लाइन है दोस्तों, शोल्डर की जो नेक लाइन होती है ना, ये नेक लाइन, ये यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे लिया थोड़ा सा ऊपर की शोल्डर, यहाँ पे बना मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे देखिए अगर ये शोल्डर को अप साइड में ब्रेक करता है, यहाँ पे अप साइड में ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको ऊपर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप नीचे के ट्रेड ले सकते हैं, सेलिंग इंट्राडे में ले सकते हैं स्टॉक में दोस्तों। एक फ्यूचर और ऑप्शन का स्टॉक नहीं है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो चलो दोस्तों आप थोड़ा सा फंडामेंटली देख लेते हैं दोस्तों। टोटल डेट इक्विटी स्टॉक की मनी कंट्रोल डॉट कॉम की वेबसाइट है दोस्तों, टोटल डेट इक्विटी इसमें 0 है, रिटर्न ऑन एसेट 12% है, पिछले
साल तो बहुत कम थी, आरओसीई 19% है दोस्तों। पिछले साल तो आप देख ही सकते, रिटर्न ऑन नेटवर्क इक्विटी 15% है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें आप एक रेंज में जो स्टॉक होंगे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। मजेदार चीजें होती है स्टॉक मार्केट में, बहुत कुछ आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, पर नॉलेज लेके, नॉलेज के साथ अपना खुद का एनालिसिस करें, टाइम बिताएं मार्केट के ऊपर और चार्ट को देखें, चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। टेक्निकल के साथ थोड़ा सा टेक्निकल के साथ थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखना जरूरी है कि अब वहाँ पे स्टॉक में क्या हो रहा है या स्टॉक में कुछ बाइंग सेलिंग तो नहीं चल रही। कई बार फेक भी होते हैं वॉल्यूम की चीजें, बड़ी चीजें होती हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप, मैं दिखाना चाहता हूँ दिसंबर सितंबर 20 से लेके सितंबर जून 21 तक बहुत ही अच्छा इसने एक अप मूव दिया है दोस्तों। इस साइज बढ़ी है तो थोड़ा सितंबर में थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स भी बहुत देखिए आप, यहाँ पे नीचे की तरफ है। प्रॉफिट लिखो आप दो दिखा सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स माइनस में है 38%। तो हो सकता होता है ऐसा थोड़ा सा स्टॉक्स में माइनिंग का स्टॉक है तो बड़ी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे कभी कई स्टॉक्स में कुछ न्यूज़ आ जाती है, कुछ डाउन ट्रेंड होता है तो सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ये नीचे की तरफ इसमें गया भी तभी नीचे की तरफ होगा कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर के बाद ही ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ, देख सकते हैं आप यहाँ पे सितंबर के बाद ही ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आया होगा। देखिए एकदम अप मूव देखिए एकदम से यहाँ पे, सॉरी सितंबर तो यहाँ पे है, ये थोड़ा सा नीचे। तो आप देखिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि जब भी कुछ न्यूज़ आने वाली होती है या कुछ रिजल्ट आने वाले होते हैं तो उसमें स्टॉक में कभी बाइंग या सेलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है दोस्तों। और अब चलते हैं हम, ये हो गया आपका, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा ईयरली देख लेते हैं दोस्तों। ईयर नेट सेल्स इनकम ईयरली देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया है, इसने 17 से लेके अब तक जो है एक अच्छा खासा सेल्स में इसकी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखिए या कितना अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट, ये देखिए आप सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, खुद एनालिसिस करिए इसकी। मनी कंट्रोल बहुत सी वेबसाइट है जो रिजल्ट को दिखाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं कि हाँ भी अब ये किसका ये रिजल्ट कैसा आया, या नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ईयरली और क्वार्टरली भी देख सकते हैं। तो अगर तीन क्वार्टर में लगातार, दो या तीन क्वार्टर में लगातार इसमें इसके रिजल्ट में कमी आ रही है, तो आप वहाँ से अगर आपकी पोजीशन तो वहाँ से निकल सकते हैं। फिलहाल आप इसका एनालिसिस खुद से जरूर करिएगा दोस्तों। एक ये है, मैंने कुछ डाटा निकाला था कि क्लोस्कर ये स्टॉक है दोस्तों, क्या नाम उसका, मैंने डाटा निकाला था कि हमें दिसंबर में ना इस स्टॉक में बाइंग किए आईसीआईसीआई प्रूडेंट एंड S&P 500 ETF ने यहाँ पे इस स्टॉक में बाइंग किए दोस्तों दिसंबर में। तो आप यहाँ पे नज़र लगा सकते हैं, ETF नहीं सॉरी क्या नाम है ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग किया दोस्तों सितंबर में। डाटा के हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि नेट पे जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसमें अगर ये नेक्स्ट मंथ भी ये बाइंग यहाँ पे चलती है तो वहाँ पे आप इसमें और पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि वो नीचे के आने बाद एक अच्छा खासा आपको देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आपने कुछ यहाँ पे जरूर लर्न किया होगा। मैं चाहता हूँ जितनी मेरी लर्निंग कैपेसिटी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक वीडियो में, इतना सिखा नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते, बताने की तो बहुत चीज़ें होती हैं। स्टॉक का एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को खुद करना सीखे, दूसरे स्टॉक्स के ऊपर भी वो चीज़ें लगा के देखें दोस्तों। ये स्टॉक के बारे में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो केवल शेयर के उद्देश्य के लिए है, स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया आप निवेश करने से पहले आप अपने फंड मैनेजर से जरूर सलाह लें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है, हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।